जय बापू पूनम जय दा बाबू, चौर आपकी सदा आपकी ही जय सदा हो। की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्रसंग चल रहा है और जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसकी सुंदर महिमा का वर्णन आ रहा है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जो मुख्य मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है, उससे बाहर मुख्य द्वार के बाहर चार द्वार हैं जगन्नाथ मंदिर के। तो जो सिंह द्वार है पूर्वी द्वार, वहां पे जगन्नाथ जी का पतित पावन एक छोटा विग्रह विराजमान है। इसके पीछे ये विग्रह बाहर वहां कैसे आए, इसके पीछे आता है कि रसखान जी एक बार जो है दर्शन करने गए। रसखान जी बड़े कृष्ण भक्त थे, बड़े प्रेमी थे भगवान कृष्ण जी के, और ये जो अपने मुर्शिद थे उनके साथ ये रहा करते थे। तो इनके मन में आया कि मैं भी जाऊं और वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊं। तो इनको ये नहीं पता था कि जगन्नाथ मंदिर में जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश नहीं है, उनको नहीं आने दिया जाता मंदिर के अंदर। तो ये वहां जब जाने लगे तो पंडों ने जब इनका वेश देखा रसखान जी का, तो इनको अंदर नहीं घुसने दिया, इनको वहीं रोक दिया कि आप बाहर रहिए, वहीं खड़े रहिए। तो ये बड़ा रोने लगे रसखान जी, और इन्होंने बाहर मुख्य द्वार के बाहर खड़े होके वही कहा प्रभु से, बड़े सच्चे हृदय से ये बात कही कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, यदि आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरो दावा नहीं, और यदि जगत के नाथ हो तो मो को दर्शन दीजो। कहते हैं रोते वाह, रोते जब रसखान जी ने ये शब्द कहे, तो उसी समय सबके सामने जो भक्त लोग वहां विराजमान थे, ये कहना ही था रसखान जी का कि मुख्य द्वार के बाहर साक्षात जगन्नाथ भगवान जी ने उनको दर्शन दिए और वही विग्रह जगन्नाथ रूप में आज भी विराजमान है। और सब ये जानते हैं। भगवान की जय। वाह, पिछली बारी कहीं। तो थी दस थी। हाँ हाँ जी, और यदि राजकार जगन्नाथ जी उसी तो रसखान जी का क्या कहना। पकड़ है रसखान जिनका बड़ा भगत के ना प्रेमी थे। जी। एक बार रसखान जी जो थे अपने गुरु के साथ जा रहे थे कहीं, दिल्ली से आगरा जा रहे थे, तो रास्ते में वृंदावन भी पड़ता था। तो जो इनके मुर्शिद थे, अब जो मुस्लिम गुरु होते हैं वो लोग बहुत परहेज करते हैं ऐसे स्थानों को देखने से भी उनकी ओर। तो जब ये रास्ते में जा रहे थे, वृंदावन पड़ना था, तो उन्होंने कहा इनके मुर्शिद ने, अरे सब आंखों पर पट्टी बांध लो, और हिंदुओं का काबा आने वाला है, और आंखों पर सबने पट्टी बांध ली। अरे अपने हाथ पैर सब ढक लो, सब ढक लो, यहाँ खतरे की बात है। अरे खतरे की क्या बात है यहाँ, अरे सुना है यहाँ काले रंग का जादूगर रहता है। जब वो वृंदावन रास्ते में पड़ा तब वो उनके मुर्शिद ये बात उनसे कह रहे हैं रसखान जी से, और जो और लोग उनके साथ थे उनको, कि सुने यहाँ काले रंग का एक जादूगर रहता है, और जिस पे चल गया ना उसका जादू, वो तो कहीं का रहता ही नहीं है, और दाएं बाएं कहीं देखना नहीं किसी ने, बिल्कुल आंखें अपनी बंद कर लो। और ऐसा कहने पे अपने उनको उन्होंने गुरु की बात मानी और सबने ऐसे कस के पट्टियां बांध ली अपनी आंखों पे। वृंदावन में प्रवेश किया, आगे की ओर जाने लगे, तो जो रसखान जी हैं वो तो प्रभु भक्त थे, कृष्ण भक्त थे ही अंदर से, वो तो प्रभु की गोपी थे। तो उनको क्या हुआ, वृंदावन में एंटर करते ही बंसी की ध्वनि सुनाई देने लगी। अब मन वाह, करे मैं पट्टी खोलूं और देखूं, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि चारों ओर से बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, पायल बज रही है। वो तो पीछे मुड़ मुड़ के देखें, अब उनका बड़ा मन हुआ। वो तो बड़े सरल स्वभाव के थे, अब इतने सरल स्वभाव के थे रसखान जी, यूं ही तो नहीं प्रभु का मन रिझा होगा उन पर। पता नहीं कौन से ऐसे पुण्य उन्होंने किए थे कि वृंदावन में घुसते ही उनको बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और जब उन्होंने वो ब्रज की सीमा लांघी, तो जो उनके गुरु थे वो बोले, अरे खतरा टल गया, खतरा टल गया। तो इतने में रसखान जी ने पीछे मुड़ के देखा कि जरा देखूं तो कि कौन आ रहा है, कौन इतनी मधुर बंसी बजा रहा है। और पीछे देखा मुड़ के, उन्होंने जब पट्टी खोली रसखान जी ने, तो साक्षात राधा माधव जी उन्हें दिखाई दिए, उन्हें दर्शन हुए रसखान जी को, और उनकी आंखों से तो आंसू झरझर बहने लगे। अब ये दशा जो साथ में और थे वो तो गैर हिंदू लोग थे, तो जब उन्होंने ये दशा देखी और उनके गुरु ने देखी, अरे हो गया इसको काम, अरे लग गया इसको तो भूत, लग गया इसको तो भूत, छोड़ो कोई ना छूना इसे, कोई ना छूना।
और उन्होंने रसखान जी को उसी अवस्था में वहां छोड़ दिया और सब आगे निकल गए। और उसके बाद पता नहीं रसखान जी वहां कब तक पड़े रहे। और फिर राधा रानी ने रसखान जी को अपनाया और आज भी रमन रेती में लाल पत्थर की रसखान जी की समाधि है, जहां पे वो रह के वहां पे रमन रेती में रसखान जी भजन किया करते थे। तो ऐसे खान जी थे जिन्होंने जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए और साक्षात उनका स्वरूप, जिसके आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो वहां विराजमान है। तो ऐसे थे हमारे जगन्नाथ भगवान जी। अब महाप्रभु जी वहां पहुंचे हुए हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एक भीतरी परिक्रमा आती है, जैसे मुख्य द्वार से जाते हैं तो मंदिर के अंदर ही कुछ छोटे छोटे मंदिर है। अंदर जाने पे आता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, फिर आता है श्री रामचंद्र जी का मंदिर, फिर अंदर ये एक लक्ष्मी जी का मंदिर, और वहीं पर और आगे बढ़ने पे आता है सिद्ध मंदिर विमला देवी जी का। अब ये जो विमला देवी जी का मंदिर है, इसके बारे में पुराणों में कथा आती है कि एक बार नारद जी वैकुंठ गए और वहां उन्हें प्रसाद मिला। अब भगवान नारायण भोजन कर रहे थे, अब लक्ष्मी जी ने जो भगवान का अधरा अमृत था वो नारद जी को दे दिया। अब नारद जी तो प्रसाद पाके इतने विभोर हो गए, इतने खुश हो गए, नाचने लगे नारद जी, और नाचते नाचते वो कैलाश पर्वत पे पहुंचे। अब नारद जी ऐसे नाच रहे हैं और भगवान शिव देख रहे हैं कि इन्हें ऐसा कौन सा सुख मिल गया। अब नारद जी तो सुख को छिपा के रखते नहीं, वो तो सुख बांटते हैं। अब अपने सुख को बांटने के लिए वो पहुंच गए भगवान शिव के पास। अब भगवान जी ने देखा तो उनसे मांगा, तो ऐसे नारद जी कह रहे हैं कि प्रसाद तो है नहीं। तो एक चावल का दाना नारद जी के हाथ पे लगा हुआ था, तो भगवान शिव ने वो चावल का दाना लिया और अपने मुंह में रखा, और जैसे ही उन्होंने मुंह में रखा तो प्रभु के अंदर, भगवान शिव के अंदर भी उस प्रेम का संचार हो गया जिस प्रेम से नारद मुनि नाच रहे थे। तो दोनों नाचने लगे, इतने में माता पार्वती जी आई। अब दोनों को नाचते हुए देख रही है, इतना प्रसन्न देख रही है कि पता नहीं कौन सी लीला में मग्न है। वो पूछती है भगवान शिव से कि ऐसा क्या हो गया, आज आप इतने प्रसन्न है, क्या पा लिया? तो शिव जी ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे आज प्रसाद पाया है, लेकिन एक चावल का दाना था। तो जो माता पार्वती जी है कहती है, अरे आपको तो मेरे लिए रखना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं दिया, आप आधा मेरे लिए रख देते चावल का वो टुकड़ा। तब तो वो नाराज हो जाती है, और माता पार्वती फिर कहती है कि मैं अब प्रभु का प्रसाद पाने के लिए मैं तपस्या करूंगी। उन्होंने तपस्या की माता पार्वती जी ने, भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और उन्होंने कहा कि आपको मेरे मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में स्थान प्राप्त होगा, और जो भोग वहां लगाया जाएगा उसके बाद वो आपके कक्ष में जाएगा। और कहते हैं कि 52 मन भोग रोज जगन्नाथ मंदिर में लगाया जाता है, और भोग जब लगता है प्रभु जगन्नाथ जी को, उसके बाद वो विमला देवी जी के मंदिर में जाता है, तब वो महाप्रसाद बनता है, और वो महाप्रसाद फिर आगे बढ़ने के लिए बढ़ता है। तो ऐसे जो महाप्रसाद की महिमा बताइए। अब महाप्रभु जी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है, विमला देवी जी के उन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने महाप्रसाद की महिमा बताई कि विमला देवी जी खुद माता पार्वती का स्वरूप है, जो प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद पाने के लिए वहां प्रकट हुई। अब महाप्रभु जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आए रसोई में। कहते हैं पूरे संसार के अंदर ऐसी रसोई नहीं है जैसी जगन्नाथ जी के मंदिर में है। हमारे चार धाम है, उत्तर में हमारे बद्रीनाथ है, पश्चिम में द्वारिका है, दक्षिण में रामेश्वरम है, और पूर्व में जगन्नाथ है। उत्तर में बद्रीनाथ है जहां प्रभु तप के लिए विराजे, पश्चिम में द्वारिका है जहां राज किया प्रभु ने, भगवान कृष्ण जी ने राज किया, और दक्षिण में जो रामेश्वरम है वो त्रेता युग का धाम माना जाता है, जहां पूजा की प्रभु ने, और जगन्नाथ में जो जगन्नाथ भगवान पधारे हैं ये भोजन के लिए, भोजन किया प्रभु ने, और ये कलयुग का धाम है। बद्रीनाथ जो है ये सतयुग का धाम माना जाता है, रामेश्वरम त्रेता युग का धाम है, द्वारिका द्वापर युग का धाम माना जाता है, और हमारे जगन्नाथ जो है वो कलयुग का धाम है, जहां पे प्रभु भोजन करने आते हैं। और ये बिल्कुल वाह, सत्य, इतनी विशेष रसोई है यहाँ की, पूरे संसार में ऐसा नहीं है। 400 चूल्हे हैं,
एक चूल्हे पर ऊपर की ओर, नो नो हांडी, कोई गैस नहीं है, लकड़ियों पे चलता है सब कुछ, और सबसे ऊपर वाली हांडी में खाना सबसे पहले पकता है। 700 पंडे लगभग खाना बनाते हैं, और गेहूं का प्रयोग नहीं होता, कोई भी चीज गेहूं के आटे से नहीं बनती, कोई विदेशी सामग्री प्रयोग में नहीं आती, अगर रोटी भी बनती है तो वो भी चावल के आटे की, जगन्नाथ जी के मंदिर में उसका भोग लगाया जाता है, और भोग विधि इतनी पावन है कि जो चूल्हे हैं चूल्हों के ऊपर श्री यंत्र बनाया, और पंडों की ये भावना होती है कि जो भोजन वहां बन रहा है साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है, ठाकुर जी का वंदन कर रही है, और लक्ष्मी जी इस भोग को बना रही है। 6 विधियों से वो भोजन होके गुजरता है, जो भोजन बनता है प्रतिदिन का नियम है। पहले लक्ष्मी जी द्वारा वंदन होता है चूल्हे पर, लक्ष्मी जी वहां विराजमान है, प्रधान रसोईया है, फिर श्री यंत्र से जैसे भोजन बनता है, जहां चूल्हे पे श्री यंत्र बना है, स्वर्ण थाल में, सोने के थालों में उसको डाला जाता है भोजन को, फिर नरसिंह मंत्र के द्वारा उसका पोषण किया जाता है, फिर गोपाल मंत्र के द्वारा प्रभु को निवेदन किया जाता है भोग के लिए, और 5वें नंबर पे जब वो सारा भोग लग जाता है तो 5 ही प्रक्रिया में वो विमला देवी जी के मंदिर में जाता है, और वहां से वो महाप्रसाद बनता है, और महाप्रसाद बन के 6ठे नंबर पे वो 8 वैष्णव, जैसे हमारे हनुमान जी हैं, ध्रुव जी हैं, उन सबको वो बांटा जाता है, उनको चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो महाप्रसाद बंटने के लिए भक्तों में आता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा ये महाप्रसाद तैयार होता है और बढ़ता है। इसकी इतनी महिमा है, जगन्नाथ जी के मंदिर की महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि जो जल वहां भोजन में प्रयोग होता है, मंदिर के अंदर ही दो कुएं हैं, एक के अंदर गंगा जी का जल है, दूसरे के अंदर यमुना जी का जल है, और केवट जाति के लोग ही उस जल को लाते हैं। कहते हैं हमारे जो चारों धाम हैं, इन चारों धामों में सब जगह भोजन के लिए, भोग लगाने के लिए जो जल लाया जाता है वो केवल केवट के द्वारा लाया गया जल प्रयोग होता है। फिर रसोई से वो आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी महिमा बताइए इसकी, एकादशी देवी जी वहां विराजमान है और ऐसे बंधी हुई है एकादशी देवी जी। अब क्यों बंधी हुई है? क्योंकि जगन्नाथ जी की महिमा महाप्रसाद के लिए है, पूरे मंदिर के अंदर एकादशी का व्रत रखा जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी एकादशी का व्रत रखा हुआ था, उनके हाथों में ऐसे प्रसाद आता है, पंडे प्रसाद देते हैं, एकादशी का व्रत उन्होंने रखा हुआ था, मंदिर के अंदर एकादशी जी बंधी हुई है। कहते हैं महाप्रभु जी 24 घंटे तक उस प्रसाद को लेके, उसकी इतनी महिमा थी कि 24 घंटे तक ऐसे बैठे रहे, अगले दिन जब उन्होंने व्रत का पारायण किया तो उसको ऐसे खाया, फिर वो वहां से उठे, लेकिन उन्होंने उस प्रसाद को कहीं रखा नहीं। बहुत ही सुंदर महिमा जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की है, जिसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध है। जय बाबा जी, जय हो जगन्नाथ वाह जी की, वाह, जय बहुत हो कृष्ण सुंदर, भगवान बहुत की, सुंदर, और आपकी भी जय हो भाई, जो इतने प्रेम से आप सुनाती हो, इतना तैयार करके जो है रोजी। गॉड ब्लेस यू भाई, खुश रहो, बहुत ही सुंदर कमाल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कर दिया। आनंद जय हो हो, गया भैया, ऐसा लगता है जैसे हम जगन्नाथ के किचन में ही पहुंच गए। कमाल कर दिया, बहुत जाएंगे कभी, प्रभु लेके किचन में जाएंगे, दर्शन भी नहीं किए आ कभी। चलो जी, संगीता जी जाना ही था, आ जा जरूरी, फिर मैं भी जान वाली तेरे नाल बनूंगी, और बुढ़ी होगी जरा जाया नहीं जाना। चलो, जैसी प्रभु दी इच्छा मासी जी, देख वृंदावन कट्ठे गया ना हो दे। उत्थे जैसे। हाँ, वृंदावन भी दे, मासियां नाल भी बड़ा घूमे आपां। तो जेड़ा एक होंगे ना, ये जेड़ा 12 साल बाद केड़ा आता है, जेड़ा कुंभ कुंभ दा, कुंभ कुंभ दा कथा हो गई, वो तो ठीक इतनी। नहीं, आप अपने है। प्रसंग बोलो, दो बोल दो आज। मतलब इतनी सोनी सोनी कथा हो गई, मैं तो भूली गई थी गीता पाठ भी करना, मैं तो उन्हें भी मगन हूँ। चल।